आदरणीय मंच, यहाँ इस हाल में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नए ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ता बंधुओं, आज सिर्फ पार्टी की ही खुशकिस्मती नहीं है बल्कि जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया उनकी भी खुशकिस्मती है कि वो ऐसी पार्टी में शामिल हुए। अब पंचायत पतनाजी बी से जिन जिन बंधुओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो है मोहम्मद याकूब साहब सरपंच पतनाजी बी, अब्दुल रशीद साहब भट्ट नायब सरपंच, रोशनदीन साहब पंच वार्ड नंबर 5, नूरदीन साहब पंच वार्ड नंबर 1, बशीर अहमद साहब वार्ड नंबर 4, ये पंच हैं जी, हाशमदीन साहब पंच वार्ड नंबर 6, सज्जाद अहमद साहब ये पतनाजी बी से हैं, ये कांग्रेस के बहुत पुराने, ये सारे कांग्रेस के ही हैं, एक ही कुंभा जो है पूरा का पूरा आज दूसरे कुंभे में गया है। और जाफर हुसैन साहब ये पतनाजी बी से हैं। इन सब का भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में आने के लिए अभिनंदन करती है। मैं कुछ बातों के लिए बदनाम हूं, वो ये कोरी बात बोलता हूं, कुछ को अच्छी लगती है कुछ को बुरी लगती है। अगर हम कौम की, देश की, इलाके की खिदमत करना चाहते हैं और उस चाह से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो हम जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी शक्ति आपके आने से और ज्यादा बढ़ेगी। वजह यह है कि एक हाथ अगर काम करे तो उतनी प्रोग्रेस नहीं निकलती, जब दूसरा हाथ भी उसके साथ जुड़ जाए तो ज्यादा प्रोग्रेस निकलती है। मुद्दा सिर्फ इलाके की बहबूद का है। कुछ लोग तो आपको यह भी कहेंगे कि देखो जी कैसी पार्टी में गए, लेकिन उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके लिए आईन बना तो आईन की शुरुआत श्री गणेश आय नमः से नहीं हुआ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से नहीं हुआ, शुरुआत किससे हुई? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग में सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ पारसी नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है, सिर्फ जैन नहीं है, बस एक ही मुद्दा कि इंसान है। और इंसानियत के नाते से ये जो खल्क है, इसमें जो लोग हैं उनकी खिदमत करनी है। और उस खिदमत के जज्बे से अगर हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो ये पार्टी की भी खुशकिस्मती है और आप सबकी भी खुशकिस्मती के, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। यहां ये सोच के नहीं आना है कि अब हुकूमत बीजेपी की है अब फायदा उठाओ इनसे, इसलिए मैंने पहले जिक्र किया। मैं कुछ लोग बातों से बड़ा बदनाम हूं, मैं कोरी बात बोलता हूं, पाने की चाह से पार्टियां नहीं इख्तियार की जानी चाहिए।
बल्कि कुछ देने की चाह से पार्टियां जब चलती हैं वो हमेशा मजबूत रहती हैं। आइए आज हम इस किश्तवाड़ के इलाके को, चाहे वो बुंजवा है, चाहे वो सुरूड़ है, चाहे वो कोंतवाड़ा है, चाहे वो ठाकराई है, चाहे मंडल है, मड़वा है, वाड़वन है, पाड़र है, नागसेन है, दक्षिण है, कहीं भी है, मिलके इसकी तरक्की के लिए काम करें। आज तक इन इलाकों का इस्तेसाल हुआ है, जो आया वो लीडरों के घरों में गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने ये तय किया हुआ है कि आगे पार्टी का दामन थाम कर हम बड़ी मजबूती के साथ, मोदी जी ने जो प्रोग्राम सारे देश के लिए दिए हैं उनका पैगाम घर घर तक पहुंचाएं। हम अपने अपने इलाकों में ये तय करें कि हमारे इलाके में गरीब कौन है जिसके चूल्हा अभी भी लकड़ी का जलता है, गैस नहीं है उसको। हम यह भी तय करें अपने अपने इलाकों के अंदर कि कौन सी ऐसी विधवा है, विडो है, जिसको पेंशन नहीं लगी है, ऐसा कौन सा गरीब है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं लाया गया है, ऐसा कौन सा ऐसा हमारा आदमी है जिसको कि गोल्डन कार्ड नहीं बना है। गोल्डन कार्ड के तहत मोदी जी ने यह किया कि मेरे देश के अंदर के जो भी गरीब लोग हैं उनका गोल्डन कार्ड बनाओ, भगवान ने करे अगर वो कभी बीमार हो गए तो 5 लाख का उसका इलाज फ्री में होगा। इन कामों के लिए अगर आपने पार्टी को अपनाया है, लोगों की खिदमत के लिए अगर अपनाया है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है।